अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं मौजूद हूँ बहादुराबाद के राउंड अबाउट पे। आज की इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट, लेट्स रोल द इंट्रो। डोसा, नाम सुनते ही इंडिया की याद आ जाती है, जो कि बहुत ही मशहूर साउथ इंडियन फूड है। इसी इंडियन डिश को टेस्ट और एक्सप्लोर करने के लिए डोसा पॉइंट पे आया हूँ मैं। डोसा बेसिकली है क्या चीज, इसकी थोड़ी सी डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं। ये जो पेस्ट आप देख रहे हैं, ये चावल और मार्च की दाल से बना है। ये जो पेस्ट पे डाल रहे हैं, ये इनका और डोसे का मेन इंग्रेडिएंट्स है। फिर इसको सेकने के बाद हमें सर्व किया जाएगा। डोसा हमने ऑर्डर किया था और रेडी हो गया था हमारे पास। ये सांभर है और ये पीर है। पीर ये बिलावर उठने वाला देंगे। इसके टेस्ट में आपको रिव्यू देता हूँ इसको। खराब है, चटपटे ज्यादा है। ये कि पहली दफा खा रहे हैं तो हम पता नहीं है कि हमें बहुत अच्छा बने, हो सकता है बहुत अच्छा हो जैसे इंडिया में मिलता है उस हिसाब से। ये कि अब जो रेगुलर खाने वाला वो हमें सही बता सकेगा कि इन्होंने बहुत अच्छा बनाया है या नॉर्मल है। एक बाइट और लेके फिर बताऊंगा। मेरे हिसाब से टेस्ट को इतना डिफरेंट नहीं दे रहा है। और जैसे डोसा डोसा सबने किया हुआ इंडियन डिश है, पहला तो ये एक्सपीरियंस फर्स्ट था मेरा। और लेकिन टेस्ट के हिसाब से ये अगर फूड लवर कोई है, मसाले वाला जो खाता है ना, तो उसके लिए ये डोसा बिल्कुल भी नहीं। और मतलब के ठीक है, डोसा है इंडियन डिश थी, हमको बना हुआ था तो मैंने बोला चलो आगे इसको भी टेस्ट कर लेना। लेकिन मुझे पर्सनली मुझे कोई इतनी अच्छी नहीं लगी। ठीक है, बस अब इंडिया जाने का भी खाना तो हुआ नहीं है, जो हम इस पे तबसरा करें। तो यही कहूँगा आप लोग खुद आके ट्राई करें। जो रिव्यू मैं दे रहा हूँ, अगर इससे थोड़ा सा तकलीफ हुआ तो बाकी आपका। डोसा पॉइंट के ओनर मेरे साथ हैं, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम? अदनान नाम। ये काम आप कब से कर रहे हैं? बेटा 97 से कर रहा हूँ। 1997 से कर रहे हैं? बिल्कुल। ये आइडिया कैसे आया कि मतलब साउथ इंडियन फूड आप पाकिस्तान में बेच रहे हैं? आइडिया बेसिकली बेटा एक काम होता है, एक आदमी करता है एज ए लेमैन, अनाड़ी आदमी। मेरी फील्ड है, मैंने डिप्लोमा किया, फिर 5-star होटल्स में काम किया, फिर मुख्तलिफ जगहों पे पाकिस्तान से बाहर भी काम किया रेस्टोरेंट का। तो मेरी फील्ड है, प्रोफेशनली मैं ये काम कर रहा हूँ। ऐसे नहीं कि आइडिया आया तो खड़े हो गए, ऐसा कोई काम नहीं होता। मतलब ऐसा नहीं है कि इंडियन फूड है तो पाकिस्तान में बेचने ज्यादा चलेगा, ये वाला सीन नहीं है। मतलब प्रोफेशनल तरीके से आपको सबसे बड़ा इजाफा करूँ आज। आप बिरयानी खाते आ रहे हो बचपन से, इंडियन फूड है। कोरमा खा रहे हो, इंडियन फूड है। निहारी खा रहे हो, इंडियन फूड है। ये क्या होता है, हलीम खा रहे हो, इंडियन फूड है। रह गया क्या? इंडिया का है बेटा, सब इंडिया का, मगर अलग अलग मुख्तलिफ पार्ट है। ये मद्रास का है, हम जो खा रहे हैं वो मुख्तलिफ इंडिया के इलाके हैं। कोई दिल्ली का खाना खा रहे हैं, कोई कहाँ का खा रहे हैं, सारा इंडिया ही है। बाकी अब जैसे अब जो जंक फूड है, बर्गर वगैरह, ये तो दुनिया में हर जगह ही है। इसमें डोसे की थोड़ी सी डिटेल हमारे साथ शेयर करते हैं कि बनता कैसे है, क्या है इसकी सब। डोसा चावल और माश की दाल की ब्रेड को कहते हैं, जो आपने खाया अभी थोड़ी देर पहले, राइट। तो इसमें तीन टाइप की फिलिंग है, आलू का है, कीमे का है, चिकन का है, ये होता है। मैंने तो चिकन ट्राई किया अभी, और मैं मसाले ज़्यादा शौक से खाता हूँ, तो बस टेस्ट मेरा रिव्यू यही था कि नॉर्मल है, अच्छा है, लेकिन स्पाइस खाता हूँ ना तो मतलब उसे... देखो मैं बताऊँ, आधी दुनिया तो मसाले खाती ही नहीं, तो क्या टेस्ट नहीं होता? देखो टेस्ट हमारे यहाँ जो है ना, मेयार टेस्ट का मेयार बनाए मिर्चे, आंसू निकल रहे, ओ मरा आ गया, वो गलत है। टेस्ट तो फीकी चीज में भी होता है, बगैर मिर्च के रायका भी होता है। तो ये तो गलत कॉन्सेप्ट है ना बेटा, कि आंसू निकले तभी मजा आएगा। वो तो आप अपना खराब कर रहे हो, मैदा भी खराब कर रहे हो। नहीं, आंसू वाली बात नहीं है वो। मुझे तो कोई चश्मा लगा है, मैं 50s में आ गया, कोई चश्मा नहीं है। अभी आप 20s में हो, आप चश्मा लगा रहे हो, मिर्चे खाओ यार।
नॉन वेज के लिए अच्छी चीज है, बहुत अच्छी। ओपनिंग यहीं से की? क्या जी? ओपनिंग शॉप यहीं से की? हाँ, दो तीन महीने क्लिफ्टन पे किया था, दूर पड़ता था, फिर अब यहाँ आ गए। यहाँ करीब ही है, तीन अट्टी। एड्रेस पूछ लेते हैं इनसे, डोसा पॉइंट का एड्रेस क्या बता दें। देखिए, एड्रेस भादराबाद है, ये भादराबाद के सामने ये चार मीनार है और बराबर में हमारे 200 रेस्टोरेंट है, राइट। तो ऐसा है कि ये जो ये लोकेशन है मेरी, चार मीनार बेसिकली पाकिस्तान का जो आप समझ लें कि पूरी दुनिया में जो छठे नंबर पे मोस्ट ब्यूटीफुल राउंड अबाउट इन द वर्ल्ड, चौरंगी बहुत खूबसूरत है। अगर ऊपर दुनिया की छठे नंबर पे खूबसूरत तरीन चौरंगी, मतलब ये इंफॉर्मेशन हो गई ना अभी, ये तो बड़ी बात है पाकिस्तान के साथ। हाँ, नहीं पता वाकई, मुझे भी पहली दफा पता। ये जो मॉडल है, ये चार मीनार इंडिया में हैदराबाद है, तो उसका है। चले, बहुत शुक्रिया आपका इंटरव्यू के लिए।